और चलिए 10 बजे की 10 बड़ी खबरों पर सबसे पहली नजर डाल लेते हैं। पहली ब्रेकिंग, फ्रांस के दौरे पर पेरिस पहुंचे पीएम मोदी, आज फ्रांस के नेशनल डे समारोह में शामिल होंगे। बेस्टिल डे प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। आज पीएम मोदी भारतीय कंपनियों के सीईओ और प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे हो गए हैं। दूसरी ब्रेकिंग, फ्रांस के प्रेसिडेंट पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को गले लगाकर स्वागत किया। कल पीएम मोदी के स्वागत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रात्रि भोज रखा था। इससे पहले पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, फ्रांस आना घर आने जैसा है। भारत के लोग जहां जाते हैं वहां मिनी इंडिया बना लेते हैं। पीएम मोदी ने सीनेट का दौरा किया जहां उन्होंने सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर के साथ व्यापक चर्चा की। इसके बाद पीएम मोदी ने फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोंड के साथ अलग से प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। तीसरी ब्रेकिंग, चंद्रयान की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज लॉन्च होगा चंद्रयान 3। चंद्रयान की सफलता से दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन सकता है भारत। आज दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चांद पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करना है। बाहुबली में चंद्रयान को फिट कर दिया गया है। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग को लेकर भारत की ओर पूरी दुनिया की नजर है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग इसरो के यूट्यूब चैनल पर लाइव देखी जा सकेगी। चौथी ब्रेकिंग, आज लॉन्च होने के बाद चंद्रयान करीब 50 दिनों के सफर के बाद चांद के दक्षिणी हिस्से में पहुंचेगा। 20 से 25 अगस्त के बीच चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग की स्थिति में होगा। लॉन्चिंग के बाद रॉकेट पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट तक ले जाएगा। इस दौरान रॉकेट 36,000 किलोमीटर का सफर तय करेगा जिसे पूरा करने में 16 मिनट लगेंगे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखने के लिए कॉलेज के छात्र छात्राएं भी पहुंचे हैं। प्रिंस संस्था के छात्रों ने कहा, लॉन्चिंग का क्षण भारतीयों को गौरवान्वित करेगा। पांचवी बड़ी खबर, यमुना पिछले 4 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब घटना शुरू हो गया है। यमुना का जलस्तर 208.46 मीटर के करीब पहुंच गया है। यमुना से सटे दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। आईटीओ की सड़क तक यमुना का पानी जा पहुंचा है। इसके अलावा यमुना बाजार, लाल किला, राजघाट, आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक बाढ़ का पानी देखने को मिल रहा है। मजनू का टीला, निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, गीता कॉलोनी, शाहदरा, ये तमाम वो एरिया हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमें लगाई गई हैं। निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है। छठी ब्रेकिंग, दिल्ली के हालात पर बनी है पीएम मोदी की नजर। फ्रांस से पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर दिल्ली में बाढ़ के हालातों की जानकारी ली। गृह मंत्री ने पीएम मोदी को बताया कि अगले 24 घंटों में यमुना का जलस्तर कम होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ करते हुए गृह मंत्री ने बताया कि जमीनी स्तर पर एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद में जुटी हुई है। दिल्ली के एलजी ने ट्वीट कर बताया कि पीएम ने दिल्ली को हर संभव सहायता देने की बात कही है। सातवीं बड़ी खबर, बिहार से पटना में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद अब बिहार की सियासत में तूफान आ गया है। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी आज पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाएगी। पार्टी ने राजभवन तक मार्च निकालने राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि मामले में पुलिस का दावा है कि बीजेपी नेता की मौत लाठीचार्ज के दौरान नहीं हुई। पटना डीएम ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसमें कहा गया है कि 24 घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर और सिटी एसपी सेंट्रल मामले की जांच करेंगे। आठवीं बड़ी खबर, आज हो सकता है महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार। अचानक महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। सीएम फडणवीस भिवंडी में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए थे और इस दौरान प्रशिक्षण शिविर से लौटते हुए फडणवीस सीएम शिंदे से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक शिंदे और फडणवीस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनके बीच चर्चा हुई है। साथ ही विभागों पर मंथन किया गया है। अजित पवार गुट के सरकार में शामिल होने के बाद अब तक विभागों का बंटवारा नहीं किया जा सका।
नौवीं ब्रेकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ अलग अलग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। मामले में डिप्टी सीएम ने दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सिसोदिया को इन मामलों में जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। और दसवीं बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में फिर गैर कश्मीरियों पर हमला किया गया। शोपियां में आतंकियों ने बिहार के 3 मजदूरों पर चलाई अंधाधुंध गोलियां।